אנחנו לוקחים ברצינות את ההצהרות והאמירות של אויבינו. ועל כן, אנחנו ערוכים במוכנות C, בהתקפה ובהגנה, ואנחנו נפעל על פי הנחיות הדרג המדיני. इजराइल रेडी है, ईरान की तैयारी पूरी है, अमेरिका भूमध्य सागर में युद्ध पोत भेज चुका है, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस साझा बयान जारी कर चुके हैं। ईरान करने वाला है इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कर लिया है पक्का फैसला। तेहरान में हमास के लीडर हानिया को मारने का बदला लेगा ईरान। ईरान इजराइल में छिड़ने वाला है घनघोर युद्ध। אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה ספציפית מול איראן. עם כל היכולות שלנו, אנחנו גם לא עוקבים לבד. עוקבים עם ארצות הברית ועם שותפים נוספים. אני לא מכיר את ההערכה הזו, ולא יודע להתייחס אליה באופן ספציפי, ואני עומד איתן סביב מה שאמרתי. אנחנו נעדכן את הציבור באופן מיידי. द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इजराइल को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो अरब वर्ल्ड में ईरान की सुपरमेसी की भावना धूल धूसरी हो जाएगी। लिहाजा जरूरी हो गया है कि इजराइल पर ईरान की फौज टूट पड़े। पश्चिमी मीडिया में इस बात की रिपोर्ट छप रही है कि ईरान इजराइल के खिलाफ हमले की तैयारी में बस कुछ घंटे और देरी कर रहा है, उसके बाद युद्ध तय है। सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन और कई पश्चिमी देशों समेत कई देशों ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील की है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इजराइल ने सीधे हमला किया तो देश पर भारी हमला हो सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स को ठीक उसी तरह से तैयार किया है जैसा उसने अप्रैल के हमले से पहले किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वाकई ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो क्या होगा, इजराइल की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी, क्या इस हमले के बाद दोनों देशों के मित्र देश और संगठन भी इस जंग में कूद पड़ेंगे। सवाल तो ये भी है कि अगर ईरान इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो कौन पड़ेगा भारी, क्योंकि दोनों की दिख रही है पूरी तैयारी। יש לנו תוכניות תקיפה רחבות מאוד ומוכנות גבוהה לביצוע. חיזבאללה מתכנן לפעול, אנחנו לא מחכים מנגד. תוקפים כל הזמן ומסירים איומים ברגע שאנחנו מגלים אותם. אנחנו במוכנות C למשימה הזו. ईरान और इजराइल की ताकत के डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी ईरान इजराइल वॉर हुआ तो कौन करेगा किसकी मदद, ये गूढ़ा भाग समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों ने इजराइल की मदद के लिए उसके इर्द गिर्द अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को तैनात करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि उनका देश इजराइल की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अमेरिका ने इजराइल पर ईरान के हमलों को देखते हुए मध्य पूर्व में यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया है। इस स्ट्राइक ग्रुप में कई विध्वंसक माइन स्वीपर, टैंकर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और फ्रिगेट युद्धपोत शामिल हैं। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप भी इन दिनों मध्य पूर्व में गश्त लगा रहा है। इस स्ट्राइक ग्रुप में भी कई दूसरे युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन खुद में चलता फिरता शहर है जिस पर 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 3000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात होते हैं। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ F-35 लड़ाकू विमान भी लेकर जा रहे हैं। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। यह लड़ाकू विमान दुश्मन के राडार को चकमा देकर हमला करने में माहिर है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहले आराम से क्षेत्र की तरफ पड़ रहा था जहां इसे यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह लेना था, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इसे तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया है।
अमेरिका ने मध्य पूर्व में समुद्र के अंदर के खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया को भी तैनात किया है। यूएसएस जॉर्जिया ओहियो क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। इसके अलावा इस पनडुब्बी पर 21 इंच के हैवी टॉर्पीडो और 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। पिछले साल अक्टूबर में बाइडेन ने पूर्वी भूमध्य सागर में इसी तरह की तैनाती का आदेश दिया था, जब दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इस क्षेत्र में पहुंचा था और इस बेड़े में यूनाइटेड किंगडम के जहाज और जासूसी विमान भी शामिल हुए थे। अमेरिका ने ईरान के हमले के खतरे को देखते हुए मध्य पूर्व में F-22 लड़ाकू विमान को भी तैनात किया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि उनके ऑपरेशनल एरिया में F-22 रैप्टर विमान आ चुके हैं। ये स्टिल्थ तकनीक से लैस विमान है जिसे अमेरिका ने किसी भी देश को नहीं बेचा है। ईरान इसराइल पर हमला करता है तो इसकी 100% गारंटी दिख रही है कि अमेरिका सिर्फ हस्तक्षेप नहीं करेगा बल्कि इसराइल की ओर से ईरान पर हमला करेगा। ये सब अमेरिका उस वक्त कर रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा में इजरायली युद्ध की आलोचना कर रहे हैं। फरवरी में गाजा एनक्लेव में इसराइल के ऑपरेशन को अत्यधिक बताया और बार बार कहा कि बहुत अधिक नागरिक मारे गए थे। हालांकि इसके बाद भी इसराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है और अमेरिका लगातार इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने इसराइल को $3 अरब से ज्यादा के हथियारों की सप्लाई को मंजूरी दी है। गाजा में मौतों की तादाद 40,000 के पार पहुंच गई है और हमास लड़ाकों के अंत के कसम खाकर नेतन्याहू ने जिस फौज को आक्रमण का ऑर्डर दिया है वो गाजा में कहर बरपा रही है। उनकी बंदूकें आम फिलिस्तीनी और हमास के बीच कोई फर्क नहीं कर रही। अमेरिका यहाँ डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। फिलिस्तीनियों की मौत पर आंसू और इसराइल को हथियार सप्लाई, बाइडेन दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान को निपटाने के लिए अमेरिका बहाना तलाश रहा था, जो उसे इसराइल पर ईरान हमला करता है तो मिल जाएगा। लेकिन अमेरिका अगर इसराइल के साथ खड़ा है तो ईरान के साथ रूस खड़ा हो सकता है। कहा जा रहा है कि रूस ने भारी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सप्लाई किया है। रूस के साथ आने पर ईरान के साथ चीन और उत्तर कोरिया देश भी आ सकते हैं। बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर फुआद शुकर की हत्या और तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट युद्ध एक दो तरफा युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हमास और हिजबुल्ला कमांडर की हत्याएं 30 और 31 जुलाई को हुई थी और ईरान ने बदला लेने की कसम खाई थी। एक्सपर्ट्स को इस बात की चिंता है कि ईरान या उसके सहयोगी हिजबुल्ला की ओर से दोनों हत्याओं का कोई भी प्रतिशोध एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकता है और संभावित रूप से अमेरिका को अपने सहयोगी इसराइल के समर्थन में युद्ध में शामिल होने पर मजबूर कर सकता है। تقديري أنه يمكن لهذا الحراك وهذا الزخم بعد هذه الضربة أن يستغل إذا كان هناك إرادة حقيقية لوقف الحرب والتوصل إلى صفقة، وهذا ما نأمله، ولا يمكن منح حرب في المنطقة دون حل قضية غزة، هذا أصبح قانون، ولذلك وعي هذه القضية. इसराइल और ईरान की बात करें तो मुकाबला बराबर का है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो ईरान दुनिया में 14वें नंबर पर है जबकि इसराइल 17वें नंबर पर है। अब देखना ये होगा कि क्या ईरान एक बड़े युद्ध को न्योता देगा या युद्ध को टालने में ही भलाई समझेगा, क्योंकि युद्ध भड़का तो दूर तक जाएगा और इसमें सिर्फ ईरान इसराइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका बुरा असर होगा।